हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल। मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं दो सिमिलर क्लेम करने वाले और सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने वाले सप्लीमेंट्स की कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूं। और मैं बात कर रही हूं ओजीवा प्लांट बेस्ड हर्ब बैलेंस एंड हेम पुष्पा सिरप की। इसका मैंने एक बॉक्स कंज्यूम किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है वो अभी खाली है। और हेम पुष्पा सिरप को मैं पिछले 12 और 13 मंथ से रेगुलरली कंज्यूम कर रही हूँ। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओजीवा प्लांट बेस्ड हर बैलेंस में आपको 250 ग्राम क्वांटिटी 899 रुपीज की मिलती है। इसकी आपको 5 ग्राम क्वांटिटी डेली कंज्यूम करनी है, यानी कि ये एक बॉक्स आपका करीब 2 महीने लास्ट करेगा अगर आप इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। इसके ऑपोजिट हेम पुष्पा सिरप काफी ज्यादा आपको कम प्राइस में मिल जाता है। 170 ml की क्वांटिटी का प्राइस है 254 रुपीज और इसमें आपको 12 डेज की डोज मिलती है। 2 महीने की डोज आपकी हेम पुष्पा एंड हर बैलेंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में ही मिलेगी, लेकिन हर बैलेंस के एक बॉक्स को लेने के लिए आपको 899 रुपीज खर्च करने होंगे, जबकि हेम पुष्पा की एक बॉटल लेने के लिए आपको कम प्राइस पे करना होगा। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है और इसमें आपको एक बॉटल मिलती है सिरप की और इसके साथ साथ आपको इसमें 24 टैबलेट मिलती है। तो इसमें आपको इस टाइप की बॉटल मिल रही है जिसकी आपको 14 ml क्वांटिटी दिन में 2 बार पानी के साथ कंज्यूम करनी है और इस टाइप की 24 इसमें आपको टैबलेट्स मिलती हैं। आपको ये मेजरिंग कैप में 7 ml एक टाइम पे लेना है और उसके साथ एक टैबलेट लेनी है और एक और बार दिन में 7 ml क्वांटिटी इस टैबलेट के साथ कंज्यूम करनी है, यानी कि हेम पुष्पा सिरप को आपको एक दिन में 14 ml कंज्यूम करना है। तो ये जो एक बॉटल है वो आपकी 12 डेज लास्ट करेगी। मैं पर्सनली हेम पुष्पा सिरप को पीरियड्स के ड्यूरिंग कंज्यूम करती हूँ। आप इस सिरप को पीरियड शुरू होने से 2-3 दिन पहले से लेना स्टार्ट कर सकते हैं और पीरियड्स के खत्म होने के 2-3 दिन बाद तक कंज्यूम कर सकते हैं। ये जो सिरप है ये आपकी इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, पीरियड्स के ड्यूरिंग अगर आपको पीएमएस सिम्टम्स की प्रॉब्लम है जैसे कि मूड स्विंग्स, एंजाइटी, नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, इस टाइप की प्रॉब्लम में ये आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर आपको वीकनेस है, आपको यूरिनेशन के ड्यूरिंग बर्निंग सेंसेशन होती है, थोड़ी सी जलन होती है, या फिर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। नौशिया हो, हेडेक हो, इस टाइप की सभी प्रॉब्लम जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको फेस करनी पड़ती है, उन सभी को ट्रीट करने के लिए ये फॉर्मुलेट किया गया है। हेम पुष्पा सिरप 90 इयर्स से इंडियन मार्केट में है और ये 90 इयर्स से अपना काम बहुत इफेक्टिव तरीके से कर रहा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेम पुष्पा सिरप को ट्राई कर सकते हैं। ओजीवा प्लांट बेस्ड हर बैलेंस भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरेगुलर पीरियड्स, अगर आपको पीरियड पेन की प्रॉब्लम है उसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ही प्रोडक्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए फॉर्मुलेट किए गए हैं। इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस ये भी है कि ओजीवा का हर बैलेंस पीसीओडी, पीसीओएस एंड हार्मोनल एंड पीरियड रिलेटेड इश्यूज के अलावा आपको क्लियर स्किन देने में भी हेल्प करता है, जबकि हेम पुष्पा सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है पीसीओएस, पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड्स में आपकी हेल्प करता है। मैंने इसका कोई मेजर इफेक्ट अपनी स्किन कंडीशन में नहीं ऑब्जर्व किया। ओजीवा प्लांट बेस्ड हर बैलेंस में आपको 2 टाइप के ब्लेंड मिलते हैं, पहला हार्मोनल ब्लेंड और दूसरा डाइजेस्टिव ब्लेंड। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों टाइप की प्रॉब्लम को टारगेट करेगा। आपको इसके हार्मोनल ब्लेंड में शतावरी, जेसबेरी, पुनर्नवा एक्स्ट्रैक्ट, अशोका, आमला पाउडर, आर्कटिक रूट, रेड रेसबेरी, गोखुरा, अनंत मूल एक्स्ट्रैक्ट एंड एलोवेरा जैसे हर्ब्स मिल रहे हैं। डाइजेस्टिव ब्लेंड में आपको फनल सीड पाउडर, टैमरिंड पाउडर एंड पेपेन मिल रहा है। हेम पुष्पा में भी आपको सेम हर्ब्स मिल रही हैं जो ओजीवा के प्लांट बेस्ड हर बैलेंस में यूज की गई है, बट
हेम पुष्पा में आपको इसके अलावा भी बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स का ब्लेंड मिल रहा है, जैसे कि इसमें आपको लोधरा मिल रहा है, अनंत मूल है, बाला, गोखुरी, भ्रामी, शंख पुष्पी, अशोका, मूसली, पुनर्नवा, थाई, गुड़हल, गंभारी, नगरमोथा एंड शतावरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें कई सारी हर्ब्स कॉमन है। ये जो हर्ब्स हैं ये आपके सिर्फ पीरियड रिलेटेड इश्यूज को ही नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स को रिपेयर और उन्हें स्ट्रेंथ देने में भी आपकी हेल्प करते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट PCOS एंड PCOD सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए फॉर्मुलेट किए गए हैं। विमेन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए ये दोनों ही प्रोडक्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं, पूरी तरीके से सेफ हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप ये दोनों ही प्रोडक्ट लेना कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट प्रेगनेंसी में कंज्यूम करने के लिए पूरी तरीके से सेफ है। इन दोनों ही प्रोडक्ट के साथ आप अपनी रेगुलर मेडिसिन लेना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आपके लिए जरूरी है इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये आपकी रेगुलर मेडिसिन का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपकी PCOS या फिर PCOD से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन चल रही है तो आप उन मेडिसिन के साथ इन प्रोडक्ट को अपनी डाइट में ऐड करें। इसके साथ साथ आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन एंड ओमेगा 3 रिच फूड ऐड करें, कम से कम भी 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। अगर आप ये कुछ चीजें करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं, आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है और आपको PMS रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो ये प्रोडक्ट आपकी इन सभी सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आपने देखा प्राइस पॉइंट से भी ये दोनों ही प्रोडक्ट एकदम सिमिलर ही है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लेना कंसीडर कर सकते हैं। मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव लगे। ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर्ब बैलेंस एक्चुअली आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेगा। हेम पुष्पा अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो उसे ट्रीट करता है, जबकि ओजीवा का हर्ब बैलेंस जो है आपकी जो रेगुलर एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे कोई इन्फ्लेमेशन है, ओवरऑल आपको क्लियर स्किन देने में हेल्प करता है। इसीलिए इस बॉक्स को मैंने रेगुलर डेली बेसिस पे लेके खत्म किया है, जबकि हेम पुष्पा को मैं सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड्स कंज्यूम करती हूँ। सो गाइज मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।